हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल को पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमें जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये दयाल सिंह कॉलेज से आया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अफिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 22 अगस्त को रिलीज़ किया गया है, और यहाँ पे इन्होंने मैसेज कर रखा है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको https://colred.ac.in पर जाके जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक लेवल 10 का जो है आपको यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 का जो है आपको यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 7 CPSC पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है रिसिप्ट है एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने की, वो 17 सितंबर 2022 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे आलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड के, सबकी वैकेंसीज को निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन कर रखा है, और जो नेचर ऑफ पोस्ट है यानी किस कैटेगरी में कितनी पोजिशन है वो भी क्लियरली मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में देखिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें अनरिजर्व 2 हैं, ST1 है, OBC2 है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है www.dsc.du.ac.in पर जाके जो है आप यहाँ पे जो है अपना डिटेल देख सकते हैं। तो अभी जो डिटेल्स है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग गाइडलाइंस, इंडिकेटिव परफॉर्मा और जो जनरल लाइक इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, वो सारा जो है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर दे तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है CSIR द्वारा कंडक्ट किया गया CSIR UGC नेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपने 2009 से पहले अगर जो है आपने PhD किया है तो आपका जो है PhD तो है, तब आपको जो यहाँ पे एग्जेंशन दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी नेट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने PhD डिग्री अपना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑप्टेन किया है तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो 500 रैंकिंग में आनी चाहिए, टॉप 500 में, और जो रैंकिंग रहेगी वो आपका QS, DA और आपका ARWU रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको मेंशन की, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अगर आपने 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया ना PhD का, तो आपका PhD जो है रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके एटलीस्ट 2 जो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपके थीसिस को एवेलुएट किया होना चाहिए, आपके मिनिमम 2 रिसर्च पेपर भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो है आपको क्लियरली पर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो कि मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया क्या है शॉर्टलिस्ट करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका API इंडेक्स बेस पे होगा। तो यहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन के यहाँ पे 80% अबव मार्क्स, 21 मार्क्स दिया जाएगा, 60-80% 19, 50% 5-10, 60% 60, तो इस वे में आपको यहाँ पे जो है आपका API इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के स्कोर रहेगा, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर रहेगा, फिर MPhil MTech अगर आपने किया तो उसका आपका स्कोर रहेगा, PhD का भी आपका स्कोर रहेगा, यानी 25 जो आपका स्कोर रहेगा PhD से रहेगा। अगर नेट विद GRF है तो 10 रहेगा स्कोर, नेट है ओनली तो 8 रहेगा। रिसर्च पब्लिकेशन का 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, तो अगर आपका जो है यहाँ पे आपके अगर 3 पब्लिकेशन आप कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो उसका 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड अगर आपके पास है तो आपको उसका 3 मार्क्स मिलेगा। स्टेट लेवल अवार्ड है तो उसके लिए 2 मिलेगा, 2 आपका स्कोर दिया जाएगा। तो इस वे में आपका देखिए एकेडमिक स्कोर जो रहेगा वो 84 रहेगा, रिसर्च पब्लिकेशन का 6 रहेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने MPhil और PhD दोनों किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको PhD का 25 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको MPhil का सेपरेट मार्क्स मिले और PhD का अलग मिले, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेगा 25 रहेगा। इसके अलावा आपका GRF नेट दोनों अगर क्वालिफाई है तब आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे अगर आपका वार्ड कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो API इंडेक्स के बेस पे होगा, उसके बाद कट ऑफ निकाली जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे देखिए, आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो पे करना है फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप SC ST या ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी होगी। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।